Okay, so hello everyone. Hello everyone, and welcome to Unacademy Studio Bridge. This is Ruchin Dejawat, and I'm bringing you this session. This may be hum log will be solving some gate super questions. Jo questions pehle aa chuke hain gate ke previous year questions for RCC. हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो अभी तक मैंने आपको जो जो पढ़ाया है यूट्यूब पे जो जो आपने लेक्चर देखे उसी में से क्वेश्चंस निकल के आएंगे. कुछ नया क्वेश्चन नहीं होगा आरसीसी में. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो अ कैलसी इन हैंड वुड बी वेरी यूजफुल. कैलसी रखें अपने साथ में. ऑल्सो हमारा ड्रिल ये रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताऊँगा. मतलब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ, आपको वीडियो पॉज करना है. यू हैव टू ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन. खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है. आइदर यू कैन स्किप द वीडियो टू डायरेक्टली द आंसर, या फिर आपको अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है. ओके, सो अगेन आई वेलकम यू टू अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज. एंड स्टार्ट करें उसके पहले, दिस इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज रुचिन तेजावत एंड आई विल बी द इंस्ट्रक्टर ऑफ योर कोर्स फॉर आर सी सी जियोटेक एंड टॉस. एंड वॉट वी आर स्टडी, हम लोग पढ़ रहे हैं आर सी सी आज के सेशन में. आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई आई टी कानपुर एंड आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 165 इन गेट एग्जामिनेशन. एंड टिल डेट आई हैव मेंटर्ड आई गेस मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स फॉर गेट एन ई एस सी. एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 ईयर्स. ऑल्सो आई हैव सर्व्ड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मुंबई रेलवेज एंड आई हैव क्रैक्ड वेरियस अदर सेवरल एग्जामिनेशंस. और हम करंटली जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दे आर फ्रॉम 6:30 to 7 आई एम टेकिंग टॉस, 8:30 to 9 जियोटेक एंड 10 to 10:30 हम लोग ले रहे हैं आर सी सी. तो प्लीज़ डू गो एंड वॉच ऑल दीज लेक्चर्स. जियोटेक हमारा क्रैश कोर्स है. ऑल्सो यू कैन वॉच माई वीडियो सेशन ऑन हाउ टू स्कोर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 इन गेट 2020. वॉट इज़ द स्ट्रैटेजी, किस तरीके से पढ़ना चाहिए. मैंने आपको डे बाय डे का शेड्यूल दिया है. उसमें इट वॉज स्टार्टेड, इट हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम 10th दिसंबर. तो 10 दिसंबर से लेके आपके 8 फरवरी तक का मैंने शेड्यूल दिया है. आपको किस दिन कितना सब्जेक्ट पढ़ना है और वर्किंग वर्किंग आवर्स कितने आपके 8 घंटे एक दिन के. तो आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 कैसे ला सकते हैं, ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने अप्लाई करी है. तो मेरा ये रैंक निकल के आया है, सेम आपके लिए भी आ सकता है. एंड दिस इज़ द टीम ऑफ अनअकैडमी स्टूडियो ब्रिज जो आपके लिए कुछ ना कुछ नया हर दिन लेके आती है. जैसे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, अभी तक जो जो हमने पढ़ा है. एंड नाउ इफ यू वांट टू एनरोल टू अन अकेडमी एंड यू टेक यू वांट टू टेक योर एजुकेशन टू अ न्यू लेवल, योर प्रिपरेशन टू अ न्यू लेवल, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर. सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है. वहाँ पर आपको जाना है, सर्च आइकन पे यू नीड टू राइट अनअकैडमी लर्निंग ऐप. जैसे आप ये लिखेंगे एंड देन यू नीड टू इंस्टॉल दिस ऐप, आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है. एंड देन यू हैव टू चूज योर गोल. आप कोई सा भी गोल सेलेक्ट कर सकते हैं एज यू विश, जैसा भी जो भी आपका प्रिपरेशन है, जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं. यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल गोल्स एट अ टाइम. जैसे कि आपने गेट को सेलेक्ट किया, जैसे गेट को सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा आ जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन. ओके, ये गेट सब्सक्रिप्शन आएगा. गेट सब्सक्रिप्शन हमारे पास अनअकैडमी पर जो है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ अलग अलग सब्सक्रिप्शन हैं जिनका वैलिडिटी डिफरेंट डिफरेंट है. अब जैसे यू गो फॉर द 24 मंथ प्लान तो नेक्स्ट में आपको जाना है एंड यू नीड टू कंफर्म योर डिटेल्स. आपको आपकी डिटेल्स कंफर्म करनी है. डिटेल्स कंफर्म करने के बाद में एट द सेम टाइम यू कैन यूज माई प्रोमो कोड विच इज रुचन लाइव टू गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. You will get an additional 10% discount and this is the amount that you have to pay. And after this, इसके बाद में if you want, you can go for either 12-month plan or 24-month plan. Okay, you can go for either a 12-month plan or 24-month plan. So the fee for 12-month plan is 25,000. Okay, this is the fee, 25,000. And if you use my promo code RuchinLive, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी
After receiving this amount, and if you use my promo code, so you will get a final discount of 2500, and this is the amount that you have to pay. Or agar aap 24 month plan ki taraf jate hain, and the fee is approximately 40,000 after GST taxes and matlab sab kuch mila ke 40,000. Ab ye bhi agar aapko zyada lag raha hai, you can use my promo code. You will definitely get a discount of 10%. This is a limited time offer, so please go and use my promo code. And with this, your fee, your reduced fee, discounted fee would be approximately 36,000. Aapko 36,000 pay karna hai for a period of 24 months. 24 months ke liye, just you have to pay this amount. Aur iske baad mein, this is the team of Unacademy Gate Educators. And also you can experience this Unacademy Plus for free. मतलब ये these will act as some demo lectures for you. ये आपके लिए कैसे होंगे? Demo lectures की तरह होंगे. अब demo lectures में आपको you can go and watch these lectures और यहाँ से आप judge कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का subscription चाहिए और actually मैं live class कैसे रही होगी. And वैसे I will tell you कि live class वैसे होता है जैसे कि हमारा traditional classroom में होता है. It's just that it will be a bit more interactive and a bit more fun loving and it will be a bit more innovative. Sara padhai aapka presentations pe, you can see live things, and also this will be the most easiest way to learn GATE online. This is the most easiest way for you to learn GATE online. You will get flexibility in schedule. You can study anytime, anywhere. Aap jab chahe tab padh sakte. You will get the language of your choice. You can have any kind of language you want. You want to prefer English, Hindi, Malayalam, Tamil. You have Sanskrit, Bengali, and Odia, Punjabi, many more languages. So you can select the language whichever suits you best. And uske baad mein aapke paas kya hai? You have unlimited practice session. What does unlimited practice session mean? It will give you live classes. Live classes mein aap, live classes ke baad aapko kya milega? You will get recorded classes. Okay. And after recorded classes, you will get doubt sessions. Doubt sessions ke baad mein, what you will get? You will get test series. Har subject ka test. Then you will get quizzes. Aur yahan se in sab ka aapko analysis. Ki aapne kitne live classes attend kari hai, kitna recorded class attend kiya hai, kaun kaun sa doubt sessions mein aapne participate kiya hai, test series mein what is your performance, aur quizzes mein aapka kya performance. In sab ka milke aapke paas ek analysis aata hai. And based on this analysis, you can judge like what actually आपके पास क्या lack कर रहा है या आपको कोई चीज़ अच्छा है तो आप उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती है Unacademy पर. You will get all these things on just one platform which is Unacademy. And also it will feel like you are in the classroom itself. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्लास में नहीं हैं, आप कहीं और हैं. It will never feel like that. You can see educator here, जैसे कि आप मुझे यहाँ पे देख सकें, इसी तरीके से कुछ प्लस पे होता है. You can chat with the educator, आप educator से बात कर सकते हैं उसी time पे. You can chat. Also there will be an option of interactive polls. Chat करते time the best thing is, अगर आपको कुछ doubt है, तो आप doubt उसी time पे chat लिख के बता सकते हैं. The doubt will be cleared off then and there itself. उसी time पे आपका doubt clear हो जाएगा. और अगर आपको फिर भी you feel that you have doubt, so you can see the recorded lecture. Or usme bhi then after that you will have doubt session separately. After 3 or 4 classes there will be a separate doubt session. So usme aap aur bhi doubt sessions apne doubt clear kar sakte. And next you have this option of learning anytime and anywhere. Ab jab chahe tab pad sakte, jahan chahe wahan pad sakte, jitni bar chahe utni bar pad sakte. To agar abhi tak aapne Unacademy ko subscribe nahi kiya, to please subscribe to Unacademy and you please start studying. हम लोग गेट और ईएस के लिए टुडे वी विल टेक सुपर क्वेश्चन, गेट सुपर क्वेश्चन ऑफ द डे. हम लोग लेंगे गेट का सुपर क्वेश्चन. ओके, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट सेशन में दो हमने देखे थे. आज के लिए व्हाट आई हैव इज, आई हैव अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन गेट 2014. एंड ये जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ what you say,
this question is a mix of concepts involved in SUM, bending stress and also of RCC. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? In a reinforced concrete section, please drill हमारा वही है. You please pause the video, question को पढ़े, note down the question and then try to solve the question. जैसे आपका आंसर आता है, then you play the video. और उसके बाद में यू कैन गो डायरेक्टली टू द आंसर, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट, डायरेक्ट आंसर पे जाएं, मैच करें. नहीं होता है प्लीज कम बैक एंड वापस से वीडियो को देखें फिर से. इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन इज 5.8 मेगा पास्कल. ओके, सो द स्ट्रेस दैट इज गिवन इज 5.8 मेगा पास्कल. द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन द सेक्शन इज 58 mm and the grade of concrete is M25. यानी न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना है 58 mm एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना दिया है हमें 5.8 mm. द इफेक्टिव कर्वेचर ऑफ द सेक्शन हम लोगों को बताना है. वॉट इज द इफेक्टिव कर्वेचर ऑफ द सेक्शन. हाँ, अब इसमें क्या है, हम लोगों को कोई डायमेंशन नहीं दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया, उसने सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे दी है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन को इन अ सेंस और भी बहुत ईजी कर दिया है. आपको स्ट्रेस डायरेक्टली दे दिया है, हमें स्ट्रेस नहीं निकालना पड़ रहा है 0.36 FCK वगैरह करके, कोई स्ट्रेस नहीं निकालना पड़ रहा है. इसमें इसने न्यूट्रल एक्सिस ऑलरेडी दे दी है, यानी आपको XU वगैरह, XU लिमिट, XU इसने खुद से दे दिया है, आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है. एंड द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M25. ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इसके बराबर दे दिया M25. इस M25 से यानी आपको क्या दिया है इसने, M25 देने का मतलब क्या है, आपको क्या दिया है FCK. अगर FCK दे दिया है तो यहाँ से मुझे क्या पता पड़ेगा, मुझे इलास्टिसिटी पता पड़ जाएगी विच इज 5000 √FCK. ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा है वॉट इज द इफेक्टिव कर्वेचर ऑफ द सेक्शन. इफेक्टिव कर्वेचर किसके बराबर होता है, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन फ्लेक्चर फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा हुआ है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर. अब इसमें से दिस 1/r इज कॉल्ड इफेक्टिव कर्वेचर. जो 1/r होता है ये हमारा कर्वेचर के बराबर होता है. तो ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन को कैसे करना है आगे, आई विल प्रोसीड विद दैट. तो यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन रहा होगा, आई जस्ट डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई क्रॉस सेक्शन नहीं पता है मुझे. बस ये बोल रखा है कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है 58 mm पे, ये पता है. और उसके बाद बोला है कि द स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन इज 5.8 MPa. यानी कि ये बात कर रहा है यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ टेंशन होगा, यहाँ कुछ स्टील रहा होगा, पता नहीं कुछ भी, जो भी रहा होगा. तो यहाँ पे दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज 5.8 MPa, है ना, स्ट्रेस का वैल्यू 5.8 MPa है. अब यहाँ पे FCK कितना है, दिस इज इक्वल टू 25 N/mm². तो यहाँ से मैं E का वैल्यू निकाल सकता हूँ. वॉट इज द वैल्यू ऑफ E, 5000 √FCK. So this will be equal to 25,000 N/mm². E का वैल्यू आ गया है, मुझे सिग्मा ऑलरेडी पता है एंड दिस इज वाई. तो यहाँ से एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर. यूजिंग जस्ट दीज टू इक्वेशंस सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर है 5.8, वाई इज 58, E का वैल्यू 25,000. वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/r, 1/r मेरा किसके बराबर आएगा 5.8 डिवाइड बाय 58 इंटू 25,000. तो ये 1/r मेरा आएगा 4 × 10⁻⁶ mm. ओके, तो ये मेरा किसके बराबर आ रहा है 4 × 10⁻⁶ mm. ओके,
ओके, इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला, हमने निकाला एक कर्वेचर, हमने यहाँ पे कर्वेचर निकाल दिया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से गेट 2014 का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा पहले आया, इट वाज आस्क्ड इन गेट 2006, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स। अगर हमारा स्ट्रेस डायग्राम में कुछ भी चेंज होता है तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। हालांकि ये 2006 का क्वेश्चन है, इट इज़ अराउंड 13-14 ईयर्स बैक, बट इसके जैसे वेरिएशन आने के चांसेस अभी भी रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भाई पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड आप आगे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पे ओके, हमारा क्वेश्चन है, इन द डिजाइन ऑफ बीम्स फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सचर एज पर आईएस 456-2000, लेट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट बी लिमिटेड टू 0.0025 इन प्लेस ऑफ 0.0035। फॉर दिस सिचुएशन कंसिडर रेक्टेंगुलर बीम विद विड्थ 250 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ इज 350 mm, एरिया ऑफ टेंशन इज 1500 mm स्क्वायर, यूज M30 Fe 250 ग्रेड कॉन्क्रीट। हमें इसके अंदर निकालना है फाइंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस का डेप्थ निकालना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एंड व्हाट विल बी द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट रहेगा द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एक्स यू एस पर आई एस 456-2000 हमें ये निकालना है। तो ये दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है टू फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अब इसके अंदर क्या है, अगर हम इस इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन देखते थे 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, तो ये किसके लिए था, ये हमारे सेकेंड पार्ट के लिए है। सेकेंड पार्ट के लिए, जब सेकेंड पार्ट में आपको सारी चीज़ें एज पर आई एस 456-2000 है, तब हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जैसे यहाँ पे स्ट्रेन को चेंज कर दिया है, 0.0025 कर दिया है इन प्लेस ऑफ 0.0035, तो हमें हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को फिर से डिराइव करना पड़ेगा और फिर हम लोग न्यूट्रल एक्सेस निकाल सकते हैं यूजिंग कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, वो चीज़ करके। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। यू ऑल्सो प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट बी लिमिटेड टू 0.0035, विड्थ हमें दे रखा है 250 mm, एंड इफेक्टिव डेप्थ इज गिवन एज 350 mm। ओके, ए एस टी का वैल्यू आया गिवन एज, ए एस टी दे रखा है 1500 mm स्क्वायर। ए एस टी कितना दे रखा है, 1500 mm स्क्वायर। अब इसके लिए व्हाट इज द स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम में 0.0025 दे रखा है इन प्लेस ऑफ 0.0035, यहां पे 0.0025 और ये स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा जा रहा है, यहां पे कितना होगा 0.002, बाकी कुछ भी इसने चेंज करने को नहीं बोला है। और यहां से हमारे पास हमारा स्ट्रेस डायग्राम, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। ओके, अब यहां से लेट दिस इज ए बी सी, ये पूरा किसके बराबर हो गया, मेरे एक्स यू के बराबर। अब यहाँ पे 0.0025 है, तो मेरे को ऐसा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस का वैल्यू आएगा यहाँ पे, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, 0.87 एफ आई, एफ आई डिवाइडेड बाय जस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ओके, यहाँ का स्ट्रेस किसके बराबर है, 0.45 एफ सी के, बट दीज डिस्टेंसेस ए बी और बी सी मेरा चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, ए बी और बी सी चेंज होगा, तो हम लोग उसी तरीके से डिराइव करेंगे यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या लिखूंगा, आई विल राइट 0.0025 डिवाइडेड बाय एक्स यू इक्वल टू 0.002 डिवाइडेड बाय बी सी।
तो बीसी मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाय 0.0025, दैट इज इक्वल टू 0.8 XU। और इसी तरीके से ए बी मुझे कितना मिल जाएगा, मेरे पास बी सी का वैल्यू आ गया और मेरे पास ए बी का वैल्यू आ गया 0.2 XU और 0.8 XU। ठीक है, ओके, हम लोगों को इसका वैल्यू मिल गया। अब मैं निकालता हूँ, यहाँ पे मेरा कुछ लग रहा होगा C1 एंड यहाँ पे C2, C1 और C2। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C1? C1 कंप्रेसिव फोर्स है, दैट इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, एवरेज स्ट्रेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया। तो एवरेज स्ट्रेस किसके बराबर आएगा, 0.45 FC के, इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कितना रहेगा C1 के लिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया विल बी यहां से लेके यहां तक। अब ये किसके बराबर है, बी इंटू ए बी डिस्टेंस, बी इंटू व्हाट इज ए बी, 0.2 XU। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.45 इंटू 0.2, दैट इज 0.09 FC के इंटू BXU। और ऐसे ही C2 निकालेंगे, C2 क्या है, दैट इज अगेन इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया। वॉट इज द एवरेज स्ट्रेस, सिंस C2 के लिए हमारा एवरेज स्ट्रेस यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 0.45 FC के सॉरी, और यहाँ पे जीरो है, बट सिंस दिस इज पैराबॉलिक तो हम लोग उसे क्या लेंगे, एवरेज किसका कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 0.45 FC के इंटू वॉट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया इज बी इंटू 0.8 XU, मतलब ये वाला एरिया जहाँ पे ये वाला स्ट्रेस आ रहा है। तो दिस वैल्यू शुड कम आउट टू बी, दिस इज 0.24 FC के इंटू BXU। C2 कितना आ रहा है, 0.24 FC के BXU। ओके, अब यहां से मेरे पास C का वैल्यू ओवरऑल कितना आ जाएगा, C1 + C2। तो यहां पे C1 जो मेरा आया था, दैट इज 0.09 FC के इंटू BXU, C2 का वैल्यू 0.24 FC के BXU। तो C कितना आएगा, C इज इक्वल टू C1 + C2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 0.33 FC के BXU। अब अगर मुझे XU निकालना है, तो XU निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज, आई विल डू C इक्वल टू T, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। व्हाट विल द कंप्रेसिव फोर्स, 0.33 FC के B × XU, जो कि यहाँ पे है, ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स ही है। एंड व्हाट इज टेंसाइल फोर्स, 0.87 FY × AST। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा 0.33 इंटू वॉट इज FC के, यहाँ पे FC के इज 30 एंड वॉट इज द विड्थ, 250 इंटू XU, दिस इज 0.87 इंटू FY, 250 दे रखा, AST कितना दे रखा हमें, 1500। तो यहां से हमारे पास XU का वैल्यू आ जाएगा, दिस XU इज 131.81 mm। XU कितना आ रहा है, 131.81। इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया, जिसके अंदर अगर मेरा कुछ भी वेरिएशन हो रहा है स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में, तो आपको वो कैसे करना है वो समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर IS 456-2000। तो एज पर IS 456-2000 वैल्यू ऑफ XU, दिस विल बी कैलकुलेटेड एज BXU इक्वल टू 0.87 FY AST। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर है, 0.36, व्हाट इज FC के, 30, व्हाट इज विड्थ, 250, इंटू XU निकालना है, 0.87, व्हाट इज FY,
250 एंड व्हाट इज एएसटी? 1500। तो यहां से एक्सयू का आंसर आ जाएगा इनटू 250 इनटू 1500 डिवाइडेड बाय 0.36 बाय 250 डिवाइडेड बाय 30। दिस इज, ये मेरे पास आ रहा है 120.833 mm। कितना आ रहा है? 120.833 mm। और पहले वाले से जब स्ट्रेन में चेंज हो गया था तब हमारा कितना आया था? 131.8 mm XU। ओके, तो इस तरीके से अभी हमने गेट के दो क्वेश्चंस और सॉल्व किए। गेट 2006 का सॉल्व किया है, एक गुड 2015 का, 13 का, 14 का और सॉल्व किया है। तो अभी तक आई होप कि आपको बीम्स के अंदर के वेरिएशंस पता पड़ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा कॉलम और पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको कॉलम्स के भी गेट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। अब वो भी कैसे सॉल्व होंगे वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, जस्ट हैव सम पेशेंस, लगातार पढ़ते रहे, एवरी डे यू शुड स्टडी, 100% यू विल गेट क्वालिफाइड बहुत अच्छे तरीके से। एंड हम लोग इस सेशन को यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। दिस इज रुचिन तेजावत, यू कैन यूज माई प्रोमो कोड रुचिन लाइव अगेन जस्ट एज अ रिमाइंडर टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एंड यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी नाउ और प्लीज यू डू कम एंड वॉच द वीडियोज। हम लोग बहुत एफर्ट डालते हैं कि आपको कुछ नई चीज बता सकें हर दिन, आप तक एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में पहुंच सके। उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अनअकैडमी। दिस इज रुचिन तेजावत, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर दिस डे, विल मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।